सरप्राइज। मैं जिद कर रही हूँ कि आओ आज तुम्हारा मैं कुछ कलेक्शन दिखाऊंगी कपड़े का, ठीक है? मैंने निकाल कर रखा है, आप लोग देख सकते हो, तो मैं अभी आपको आराम से दिखाऊंगी। हाँ, हनी बनी उसका फेवरेट सीरियल है, कार्टून वो देखता रहता है। हाँ, तुम आओगे नहीं आज वीडियो में? क्यों क्यों नहीं आओगे बताओ, क्यों नहीं आओगे? हाँ ना, प्लीज दो मिनट के लिए नहीं आओगे? अरे बोलो, नहीं आओगे? नहीं आओगे, मन नहीं है तुम्हारा? ठीक है, बताओ, जाओ जाओ, कट्टी कट्टी। हाँ ठीक है, कट्टी जाओ। हाँ कट्टी, तुमसे कट्टी। देखो 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 देखो, आप कितना बदमाशी कर रहा है लड़का। कट्टी कट्टी, तुमसे कट्टी। वो लिपस्टिक है, लिपस्टिक लगा रहे हो, हटाओ उसको, स्किन पेन को। चलो जल्दी हटाओ, फटाफट से हटाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखो, मैं उस टाइम से मना रही थी तो नहीं आ रहा था, अभी पता नहीं कैसे आ गया और फिर ये भागना चाह रहा है, ठीक है? तो लास्ट व्लॉग मेरा चैलेंज व्लॉग था और आई थिंक कि आप सबको पसंद आया और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे और स्पेशली आबान के लिए बहुत अच्छे अच्छे आए थे, तो थैंक यू सो मच गाइज। और आई थिंक मैं 3-4 दिन बाद ये व्लॉग लेके आ रही हूँ, तो प्लीज आप लोग देखना और इसे भी प्यार देना, ठीक है? आज मैं आबान के कुछ कलेक्शंस दिखाऊंगी, मैं कहाँ से लेती हूँ और अभी रिसेंटली जो मैंने मंगवाया है, ठीक है ना? और प्राइसिंग भी किसी किसी के बताऊंगी मैं आप लोगों को, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था कितने अच्छे से अरेंज था कपड़ा, ड्रेस जो थे इसके, और बस एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ कि कपड़ों की क्या हालत हो गई है। लेकिन मुझे वीडियो बनाना है क्योंकि मैं 2 दिन से ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, तो मुझे बनाना ही है, चाहे आप जैसा भी वो ड्रेस देखें, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ये कबाड़ा बन चुका है। मैं आबान के ज़्यादातर कपड़े फर्स्ट क्राई और हॉपस्कॉच से ही मंगवाती हूँ। तो ये फर्स्ट क्राई का है, ये मुझे 188 में मिला था और मुझे ना रेड कलर, वाइट कलर, येलो कलर, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आबान के लिए। और ये जो सेकेंड कलेक्शन है, ये भी फर्स्ट क्राई का ही है। पता नहीं मुझे, मतलब बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं पसंद है, लेकिन मुझे ऑनलाइन आबान के लिए, अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है शॉपिंग करना, क्योंकि मुझे लगता है डिज़ाइंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये हॉपस्कॉच का है, मैं आपको एक साथ ही प्राइस बताऊँगी क्योंकि 3-4 मैंने एक साथ लिए थे। दूसरा टी शर्ट ये है, ठीक है ना? फर्स्टली बच्चों के लिए लेते हुए क्या होता है ना कि फैब्रिक देखो सबसे ज़रूरी है, और उसके बाद डिज़ाइन भी मिल जाता है ऑनलाइन में। और ये थर्ड टी शर्ट है, रेड है, अगेन रेड आप देख सकते हो। और ये छोटू मोटू सा पैंट भी मिला था, ठीक है ना? और एक और टी शर्ट है उसका, जो वो घर में पहन चुका है, तो वो सब मिला के 800 का हुआ था। ये उसके बर्थडे की ड्रेस है, जब वो 2 ईयर का हुआ था, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है माशाल्लाह। और ये मुझे 1500, हाँ ये 1500 का मुझे मिला था। ये हॉपस्कॉच से ही मैंने लिया था। इसकी फैब्रिक बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी है गाइस। इसके साथ कैप भी मुझे मिला था मेरे बेटे के लिए। तो मुझे मैं एक चीज़ बोलूं कि मैं ना 80% ड्रेस आबान के लिए ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, 20% मैं मार्केट से लेती हूँ। कहाँ से लेती हूँ मैं ज़रूर बताऊँगी आगे आपको। ये भी हॉपस्कॉच का ही है, ठीक है? ये एप्लिक का वर्क है और ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये एक टी शर्ट रह गया था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है कि अभी मैंने सेल लगा हुआ था हॉपस्कॉच पे, तो लिया था, तो सब मिला के 800 में दिया था, यानी कि 4 टी शर्ट और 1 पैंट। तो मुझे सही लगा, फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, तो मुझे तो लगा कि हाँ भाई, मतलब अच्छी कपड़े मिल गए, अच्छे कपड़े अच्छे बेनिफिट के साथ। ये 15 अगस्त में मैंने मंगवाया था, आप लोगों ने क्या मेरा व्लॉग देखा होगा, तो ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था। मैं अमेज़न से कभी भी शॉपिंग नहीं करती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम किया था, लेकिन अच्छा था, पता है आपको? और ये देखो मुझे कितना तंग कर रहा है ये आज, ठीक है ना? एक्चुअली मैंने मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, इसलिए वो कुछ कुछ बोल रहा था तो वो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, लेकिन आज बहुत बदमाशी कर रहा है, देख रहे हो आप लोग? मुझे एकदम तंगी तंगी कर दिया आज इसने। अगेन ये मैंने मार्केट से लिया था, ठीक है ना? दिल्ली में जो जामिया की तरफ रहते हैं उन्हें पता होगा कि बटला हाउस मार्केट है। नॉर्मली मैं उसके ऑनलाइन ड्रेस मंगवाती हूँ हॉपस्कॉच फर्स्ट क्राई से, बाकी की जो मैं उसके ड्रेस लेती हूँ वो बटला हाउस से लेती हूँ। ये अगेन फर्स्ट क्राई का है शर्ट, ये इसने बकरीद में इस बार पहना था, ठीक है ना? और ये पैंट, ये पैंट बटला हाउस का है। तो और ये जो आप देख रहे हो ये अगेन बटला हाउस मार्केट का है, ठीक है? ये मुझे 550 का मिला था, वेस्ट कोट शर्ट फुल और बो के साथ मिला था। इसकी जीन्स भी थी बट वो छोटी हो गई, वो अलग से मैंने लिया था 400 समथिंग का।
ये अगेन कुर्ता है, प्यारा प्यारा सा कॉटन का, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका। ये मैंने फिर से बटला हाउस मार्केट से ही लिया है। और ये जो पैंट ट्राउज़र उसने पहन रखा है, ये मैंने हॉपस्कॉच से लिया था। तो मतलब मैं मिक्सअप करके लेती रहती हूँ। ये अगेन मैंने फर्स्ट क्राई से लिया है और ये मुझे 250 का मिला था। और ये कुर्ता पैजामा है और ये ईद में उसने पहना था। तो आई होप आप सबको उसके कलेक्शंस अच्छे लगे होंगे। अब देख रहे हो कि आज मुझे वो कितना तंग कर रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तो जैसे तैसे मैंने आज वीडियो बना लिया गाइस, तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा, ठीक है ना। और मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं मतलब पर्सनली ये सोचती हूँ कि बच्चों को ऑब्वियसली सी बात है यार, माँ बाप सोचते हैं कि खुद ना पहने लेकिन बच्चों को ज़रूर पहनाए। तो मैं हमेशा शॉपिंग करती रहती हूँ आबान के लिए, लेकिन मैं हमेशा ये देखती हूँ कि प्राइस रिजनेबल होना चाहिए। क्योंकि पता है एक गलती मैं कर देती थी पहले, मैं हमेशा छोटे कपड़े मतलब एकदम फिटेड कपड़े इसके लिए मंगवा देती थी, ठीक है ना, चाहे वो कॉस्टली हो या कम रेट के हो, जो भी होते थे, बट मैं फिटेड मंगवाती थी। और क्या होता था, वो बस एक दो बार पहना और वो पैसे वेस्ट जाते थे। मुझे बोला भी बहुत जाता था कि थोड़ा बड़ा मंगवाया करो, थोड़ा बड़ा मंगवाया करो। तो वो गलती मैंने अब सुधार ली है, ठीक है ना। पहले मुझसे बहुत गलती हुई है, सही बात है, क्योंकि वो गलती ही मैं बोलूंगी। अच्छा अभी ये बाय बोल रहा है, रुक जा, वो मैं गलती ही बोलूंगी। क्योंकि सही बात है, छोटे बच्चों का ना थोड़ा सा बड़ा ड्रेस मंगवाना चाहिए ताकि वो पहने, क्योंकि स्पेशली छोटे बच्चों का ड्रेस बहुत गंदा होता है। तो जब ज्यादा गंदा हो जाता है तो हम पहनने भी नहीं देते हैं उसे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा नॉर्मल मंगवाना चाहिए, ज्यादा फिटेड नहीं मंगवाना चाहिए। हाँ, बाहर जब आप घूमने जा रहे हो तो उस ओकेजन के लिए आप मंगवा सकते हो, अदरवाइज बाहर जब आप घूमने जा रहे हो तो उस ओकेजन के लिए आप मंगवा सकते हो, अदरवाइज घर के लिए हमेशा एंड थोड़ा सा नॉर्मली मंगवाना चाहिए। ये गलती मैंने की थी, बट अब ये गलती नहीं करूंगी, ठीक है। और हमेशा आप ये देखा करो, हमेशा ये देखा करो कि कहीं पे सेल लगी हुई है या कुछ ऐसा है, तो वो भी आप ले सकते हो। बट फैब्रिक के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए फैब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। और वो पहले ही बाय बाय बोल रहा है, हाँ क्या, अच्छा चोट बोल रहा है, चोट लग गया, बाय बाय बोल दो, बाय बाय, अच्छे से बोलो ना, तुम तो आज बहुत तंग किए हो, बाय बाय बोलो, बाय बाय, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर गाइस।